रायपुर में महापौर एजाज ढेबर समेत बड़े रसूखदारों के यहां पर चल रही आयकर विभाग की कार्रवाई के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आयकर विभाग के अधिकारी जिन गाड़ियों में दबिश देने पहुंचे थे उन गाड़ियों को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जिन गाड़ियों को जब्त किया गया है उनकी संख्या 20 से ज्यादा बताई जा रही है। जब्त की गई गाड़ियों को थाना की बजाय पुलिस लाइन में रखा गया है। बताया जा रहा है कि यह पूरी कार्रवाई गुरुवार की रात को उस वक्त की गई जब आयकर विभाग के अधिकारी दबिश देने की तैयारी कर रहे थे और गाड़ियों को राज टॉकीज के पास बुलाया गया था, जहां से गाड़ियों में बैठकर अधिकारी अलग अलग जगहों पर जाने वाले थे। इससे पहले की देर रात आयकर के अधिकारियों की टीम कार्रवाई कर पाती, पुलिस ने सभी गाड़ियों को जब्त कर लिया। इधर गाड़ियों को जब्त करने के पीछे पुलिस ने गाड़ियों की नो पार्किंग में खड़े रहने की वजह बताई है। कार्रवाई के लिए रायपुर पहुंची आयकर विभाग के अधिकारियों की गाड़ियों को रायपुर पुलिस ने जब्त किया है। सभी गाड़ियों को जब्त कर यहां पर पुलिस लाइन में रखा गया है। रात के करीबन 11:30 बजे के आसपास इनकम टैक्स के एक ऑफिसर आए थे। उन्होंने हमको ये कहा कि आपकी जितनी पूरी गाड़ियां हैं सब राज टॉकीज के पास जाएगी, वहां पे वहां से आपकी गाड़ियां अलग अलग जगह में अलग अलग इनकम टैक्स ऑफिसर गाड़ियां आपकी लेके जाएंगे। वहां पर पहुंचे हम, गाड़ी वाड़ी लगाए, वहां पे लगाने के कुछ देर बाद वहां पे पुलिस वाले आ गए, काफी पुलिस वाले आ गए। फिर गाड़ी के पेपर वेपर मांगने लग गए, गाड़ी के पेपर एनओसी वगैरह सब चीज हम उनको दिखा दिए कि गाड़ी के पेपर ओके करके। थोड़ी देर बाद हर एक गाड़ी में एक एक पुलिस वाले लोगों को बैठा दिया गया, बोला गाड़ी यहाँ से नहीं मिलेंगी। उन तमाम गाड़ियों के ड्राइवर हैं और रात से ही जब से पुलिस लाइन गाड़ियों को लाया गया है वो यहीं पर मौजूद है, ना उनको गाड़ी की चाबी दी जा रही है। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जब पुलिस के जवान वहां पर आए उनको ये कहा गया कि जो चालान रखता है वो वहां ले ले और गाड़ियों को छोड़ दे, लेकिन उसके बावजूद पुलिस लाइन गाड़ियों को यहां पर लाया गया है। निश्चित तौर पर एक बार फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसमें आमने सामने है, क्योंकि अब बहुत बड़ा इसमें सियासी बवाल मच सकता है, क्योंकि जिन गाड़ियों से जो अधिकारी रायपुर कार्रवाई करने के लाए हैं उसी सी गाड़ियों को रायपुर पुलिस ने जब्त किया है। अब इससे निश्चित तौर पर बड़ा बवाल मच सकता है। कैमरामैन श्याम पटेल के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।